गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणि थे आपण को स्वागत करछि मोजिता। फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन भली बहुत गुडिये बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिटरे रही। महामारी के केते आक्रांत केउ जिल्लारु केते सुस्थ होइछन्ति संपूर्ण खबर आम एही भिडियो माध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे एही भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आज दिन खबर जानिबा पई आपण को कौनसी भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ेनि, से चलतु डेरी नक भिडियो नजर पकाइबा। नजर पकाइबा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुंत तो तले दिखा नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे अल् नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु, कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था, जहाद्वारा आम जी नुआ भिडियो आणव आपण पहुँच सर्वप्रथमे। नंबर 1, राज्य में नवेम्बर प्रथम सप्ताह नियमित हो पारे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। महामारी कटकणा जो राज्य में एवं सुधा 3 लक्ष अधिक पूर्ण डीएल आवेदन पड़ रही, तेरे से गुटी को त्वरान्वित करने लगी एप्रिल 2021 जाए समय लगे, ता सानी आवेदनकारी संख्या बहुगुणित रेब। विभाग सूचना अनुसार प्राय 7 मास बंद रहा कारण राज्य में पखापाखि 3 लक्ष डीएल और एलएल का आवेदन पड़ रही, यह सारे आहरी प्राय आउ 6 मास समय लगे। तेरे यह दृष्टि रखी राज्य में नवेम्बर प्रथम सप्ताह नियमित हो ड्राइविंग लाइसेंस बोली जड़े वरिष्ठ अधिकारी यह सूचना प्रदान कर। नंबर 2, पानी जल नष्ट 1 लक्ष टंका जरिमाना 5 वर्ष पर्यंत जेल। पेयजोग्य जल पानी जल नष्ट कर कि आपण पानी टांगी अनबरत पानी झरुची कि स्टैंड पोस्ट जलाधार बंद करूना कि तेज सावधान हो जातु, तेज सरकारी संस्थार जगुवा जल भूतल जल बा पानी जलर अपचय को इनकी अपराध भाव विवेचना करा जीवो। तेबे पूर्वर भारत में जल अपचय पर कौन दंडर व्यवस्था नथिला एवं घर टांकी पानी बोहिबा को केही गुरुत्व देउ नथिले एवं टैंक रे पानी जोगाण बेले बहु पानी जल नष्ट होउतिला। मात्र एबे एपरि परिचय कले 1 लक्ष टंका पर्यंत आपण को जरिमाना सहित 5 वर्ष पर्यंत जेल जीवाकु पड़ी पारे। एने CDWA केन्द्र भूतल जल प्राधिकरण निर्देशनामा जारी करिसेंति। नंबर 3, ओडिशा समेत 16 राज्य को 6,000 कोटी GST क्षतिपूरण देले केन्द्र सरकार। स्वतंत्र ब्रोइंग विंडो व्यवस्था केन्द्र सरकार ओडिशा समेत 16 राज्य को प्रथम दफारे देले 16,000 कोटी टंकार GST क्षतिपूरण। तेबे स्पेशल ब्रोइंग विंडो माध्यम यह अर्थ पाइबापी 21 राज्य और 2 केन्द्र शासित अंचल को निजर सम्मति जनईले। तेबे राज्य मैंने क्रमगत ऋण करने क्षेत्र में केन्द्र अर्थ मंत्रालय समन्वय कार्य निर्वाह करी व्यवस्था अर्थ जोगे देछि। तेबे राज्य मानक मध्यरु 5टी राज्यर GST क्षतिपूरण बाबदर कौनसी बकाय नथिला एवं अन्य राज्य मानक आवश्यकता पूर्ण पई केन्द्र सरकार 6,000 कोटी टंका ऋण करिसेंति। नंबर 4, ब्यान हेबा स्नाक भिडियो आपण भी जदि व्यवहार करुछन्ति तुरंत करंतु अनइंस्टॉल। चलित बर्ष भारत सरकार प्राय 20 ऊर्ध चाइनीज आप को ब्यान करिसेंति एवं एथिरे टिकटॉक पबजी और ईसी ब्राउजर भली आप भी रही। तेबे ही चाइनीज आप बंद हेबा परे एको केतेक लाइट भर्सन एवं ये भी भारत रे काम करछन्ति। तेबे या व्यतीत केतेक एपली आप अछन्ति जे माने भी ना बदले याकु भारत रे पुनी थरे लॉन्च करछन्ति। तेबे ही आप मध्यरु गोटे हेउची स्नाक भिडियो। तेबे ही स्नाक भिडियो एक शॉर्ट भिडियो मेडिंग आप एवं एथिरे एडिटिंग लिपसिंगिंग एवं स्पेशल इफेक्ट भली पिक्चर मिलिबो, किंतु एही आप को ब्यान करबा पई प्रस्तुति चली। तेबे CDEF रो अध्यक्ष जयजित भट्टाचार्य कहते यही आप समस्या सृष्टि करप भारत सरकार नियम को उल्लंघन करुच्ची। तेबे एंडे सेंटर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च गृहमंत्री अमित शाह एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय अतिरिक्त सचिव राजेन्द्र कुमार को एक चिठी लिखिंटे चिठी से सुरक्षा दृष्टि को यही आप को ब्यान करने एणु जेकोसी मुहूर्त भी यही आप ब्यान हो जापे। नंबर 5, आसला ऋण को नहीं बहुत बड़ खबर। एवं आसला ऋण को नहीं बहुत बड़ खबर। तेज आउ 2 कोटी टंका पर्यंत सुध उपर सुध कौन पड़ना ही। तेज केन्द्र सरकार एपरी निष्पत्ति जना पड़ी एवं 6 मास लॉकडाउन अवधि मध्य सुध उपर सुध पड़ना ही। तेज मार्च मसू अगस्ट मस मध्य ही छाड़ कर एणिक ऋण नहीं व्यक्ति केवल बकाया ऋण देवे एवं यही समय मध्य लगुवा सुध उपर कौन सुध पड़ना ही। तेबे आर्थिक अवस्था रे प्रभावित होइतिबा लक्ष लक्ष ऋण नेथिबा व्यक्ति यहाँ द्वारा उपकृत हेबे एवं अर्थ मंत्रालय आर्थिक सेवा विभाग एपली निष्पत्ति नेथिबा जना पड़िछे। तेबे तुरंत बा दीपावली पूर्वरो कार्यकारी करबाकु सुप्रीम कोर्ट केन्द्र को
निर्देश देखते एवं एमएसएमई लोन एजुकेशन क्रेडिट कार्ड ऑटोमोबाइल लोन पर्सनल लोन नहीं व्यक्ति अंतर्भुक्त होते। नंबर छ विसर्जन नियम भांगिले हेब दृढ़ कार्यानुष्ठान महामारी काल में पालित होउछि माँ दुर्गा पूजा तेबे महामारी कालीन पालन सह बिना भक्त माँ पूजा पालित होउछि तेबे मूर्ति विसर्जन कड़ा कटकणा लागू होइछि एवं कटकणा नियम लागू करिछि बीएमसी तेबे मूर्ति विसर्जन प्रतिवर्ष भलि चलित वर्ष अस्थायी पोखरी व्यवस्था कराई एवं बीएमसी अधिकारी माने लगातार भाव पोखरी स्थिति अनुधान करुछन्ति एवं एतिसह मूर्तिर केउ धरणर रंग व्यवहार होइछि ताहा अनुधान पर एक कमिटी गठन करा जाइछि एवं एही कमिटी सदस्य विभिन्न पूजा मंडप बुली मूर्ति रे व्यवहार होइतिबा रंगर अनुधान करिवे एवं जदि प्रदर्शन कंट्रोल बोर्ड नियम उल्लंघन होइ तेबे चलित कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जइबा बुली सूचना रहिछि। नंबर सात महामारी स्थिति को नहीं आसला खुशी खबर देश में 70 लाख पार है सुस्थ संख्या देश में महामारी स्थिति को नहीं सुधार आसुवा देखा मिली तेरे धीरे धीरे कमार लगी महामारी संक्रमित संख्या तेरे शुक्रवार दिन 54,000 नुआ आक्रांत चिन्हट होता बेले शनिवार दिन 53,000 नुआ संक्रमित चिन्हट होता जमापड़ी एवं अंपक देश में सुस्थ संख्या 70 लाख पार हो गला तेरे एने स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ जारी होता रिपोर्ट अनुजाई प्रकाश पाई एवं गत 24 घंटा भितर 53,370 नुआ मामला सामनाकु आसीथिबा बेले गत 24 घंटा भितर 650 जन महामारी मृत्यु घटी एवं यहाँ मिशि देश में मोट मृत्यु संख्या 117,956 को छुई एवं देश में मोट संक्रमित संख्या 78,14,682 छुईवा नहीं जमापड़ी। नंबर आठ आसूची आउ एक लघुचाप 31 पर पुणी वर्षार संभावना लघुचाप पलैला एबे आउ विशेष वर्षा नहीं तेबे दशहरा पुणी मुख्यतः पाग सुखिला रहिबो एवं कामा अस्तरे वर्षा होइपारे तेबे कुमार पूर्णिमा पर एक लघुचाप पुणी आसीपारे जाकि पुणी वर्षा करैबो तेबे एपरि पूर्वानुमान करछि आंचलिक विज्ञान केन्द्र एवं बंगोपसागर सृष्टि होइतबा लघुचाप अवपात ठारु अधिक घनीभूत हेलाणी एवं या शनिवार दिन मध्यान रे पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश सीमांत उपकूल रे स्थलभाग रे प्रवेश करितिला एवं एपटे ओडिसा रे वर्षा कमिछि एवं प्रायतः पाग सुखिला थिला एवं पाणिपाग विभाग पूर्वानुमान अनुजाई राज्य एबे पाग सुखिला रहिबो एवं प्रतिदिन गोटे किंबा दुटी जगह असह्य लेखाएं वर्षा होइपारे। नंबर नौ राज्य पुणी 15 जन महामारी मृत्यु राज्यपाई दुख खबर राज्य पुणी 24 घंटा मध्य पुणी 15 जन महामारी मृत्यु घटी जहाँ को मिशि राज्य मोट मृत्यु संख्या 1,229 को वृद्धि पाई एने राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्ष सूचना प्रदान कर एवं 15 मृतकों मध्य खोर्धा मयूरभंज सुंदरगढ़ जिलूर 2 जन लेखाएं रही बेले अनुगुल बालेश्वर बरगढ़ भद्रक गजपति झारसुगुड़ा कंधमाल पुरी समलपुर जिलूर जन लेखाएं प्राण होता जमापड़ी। नंबर 10 2021 जून सुधा बजार को आसीबा कोवैक्सीन टीका कहला भारत बायोटेक् महामारी टीका कोवैक्सीन प्रस्तुत करुवा कंपानी भारत बायोटेक् आसंता वर्ष जून सुधा यह टीका बजार को आसीब तेज कोवैक्सीन तृतीय पर्याय अर्थात विलंब पर्याय परीक्षण पर कंपानी को अनुमति मिली एवं इंडियन एक्सप्रेस प्रकाशित खबर अनुसार आसंता वर्ष जून सुधा यह टीका लोकं देवाई प्रस्तुत हो जा तेबे जदि सरकार जरूरीकालीन भित्तिरे आदेश दिंती तेबे एहाको ता पूर्वरु भी बजार को छड़ा जाई पारे बोली भारत बायोटेक कार्यनिर्वाही निर्देशक साई प्रसाद कहिसंती एवं कंपनी पक्ष कहिजी जे कोवैक्सीन तृतीय पर्याय परीक्षण नवेम्बर मासरे करा जिवो एवं एथिलेगि सारा देश में प्राय 26,000 स्वेच्छासेवी पंजीकरण करा जिवो बोली सूचना रहिछि। नंबर 11 महामारी रोगी चिकित्सा पई अमेरिका रे रेमडेसिविर को मिलिला मंजूरी अमेरिकार फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए महामारी भाइरस चिकित्सा पे एंटीभाइरस ड्रग्स रेमडेसिविर को पूरापूरी मंजूरी प्रदान करिछि तेबे प्रथमे एही औषध को केवल महामारी रे पीड़ित गंभीर रोगी एमरजेंसी व्यवहार पर अनुमति मिलिथिला मात्र एबे हॉस्पिटल भर्ती समस्त संक्रमित रोगी देवाई मंजूरी मिली एवं एही औषध अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मध्य दि जाइथिला। केन्द्र सरकार को निष्पत्ति सेना कैंटीन आउ मिलिबनी विदेशी जिनिष सेना कैंटीन आउ बिक्री हेबनी विदेशी सामग्री तेबे केन्द्र सरकार सेना कैंटीन को विदेशी रु आसुथिबा जिनिष उपरे रोक लगाई देछंती एवं सरकार को एही निर्देश देशर 4,000 अधिक सेना कैंटीन उपरे लागू करछंती तेबे ए पर्यंत सेना कैंटीन को आसुथिबा मद इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण एवं अन्य वस्त्र बिक्री होतिला तेबे सेनार अधिकारी जवान एवं पूर्वतन सैनिक को सुलभ मूल्य एही जिनिष उपलब्ध करा जाउथिला तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार
19 ଅକ୍ଟୋବର ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ସେନା କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେନା ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ସହିତ ମେରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯାନ ଅନୁସାରେ ସେନାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ପିଆଜ ଦରରେ ଲାଗିଲା ରୋଗ, ଲାଗୁ ହେଲା ମହଜୁଦ ସୀମା, ଆକାଶ ଛୁଇଁଛି ପିଆଜ ଦର। ତେବେ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ପ୍ରଧାନ ପରିବା ଭାବେ ଗଣା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 75 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ତେବେ ଦର ଅଣାୟତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ରୁ ପିଆଜ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପିଆଜର ମହଜୁଦ ସୀମାକୁ ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପିଆଜର ମହଜୁଦ ସୀମାକୁ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେବେ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆଜର ମହଜୁଦ ସୀମା 3 ଟନ୍ ତଥା 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଇକାରୀ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ 25 ଟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 250 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଆସିଲା ଏବେ ବି ଲେବର କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ଲେବର କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଟି ହେଲ୍ପ ହେବ। ତେବେ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଲେବର କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯାହାକି 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡ଼କୁ ରେନୁଆଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡ଼କୁ ରେନୁଆଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିପାରିନି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ରେନୁଆଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼କୁ ରେନୁଆଲ୍ ଯଦି ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼କୁ ରେନୁଆଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 14 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବ ମହାମାରୀ ଟିକା, ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ମିଳିବ ମହାମାରୀ ଟିକା ଏଣେ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ପତ୍ର, ଯେଉଁଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାମାରୀ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ 29 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନର୍ସିଂ ସଂଘ, ଆୟୁଷ ସଂଘ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକ ୱାର୍କର୍ସ ସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 1695 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 1695 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 709 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 986 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1695 ନୂଆ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 183 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 128 ଜଣ, କଟକରୁ 103 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 51 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 77 ଜଣ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 56 ଜଣ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 83 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 45 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 45 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 92 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 42 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 65 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 73 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 51 ଜଣ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 45 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 17 ଜଣ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 24 ଜଣ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 35 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 32 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ 37 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ 36 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 110 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 23 ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପୁଲରୁ 35 ଜଣ ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ଏବେ ବି ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସେହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କିମ୍ବା ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଶୋ କରୁଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏବେ ସେହି ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଶୋ କରୁଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ
ଏବେ ବି ସେମିତି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେବୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।